हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और ये सुबह के 8 बजे हैं और मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। और जब मैं नहा रही थी ना, तो मेरे बेटे को मेरी मम्मी मतलब रखी थी, क्योंकि बहुत चंचल भागते रहता है, तो मम्मी रखी थी उसको। तो जब मैं नहा रही थी ना, तो रो रहा था। और अभी उसको मैं चुप कराने के लिए आई थी, तो मेरे पास आते ही वो चुप हो जाता है। तो मैं बाड़ी तरफ ले आई थी उसको घुमाने के लिए। और हमारे बाड़ी तरफ ना बहुत ज़्यादा ही आम के पेड़ हैं, छोटे छोटे पेड़ हैं। नर्सरी है हमारे गांव में, तो वहीं से पेड़ ला के उगाए हैं। तो छोटा रहता है, फल जाता है। तो देखिए कितना छोटा छोटा है और बहुत ज़्यादा फला हुआ है, पास पास में फला हुआ है ये देखिए। और बहुत अच्छे फल, बहुत ही मीठे फल होते हैं, ये नर्सरी का फल है। तो इतना पास है कि ना मेरा बेटा भी मतलब तोड़ सकता है इसको। नीचे नीचे ही फले हुए हैं, ये देखिए कितना नीचे है। तो ये नीचे खड़ा हो गया ना, मैं बेटा भी इसको तोड़ सकता है, इसलिए मैं उसको उतारने रही हूँ नीचे। तो उतर गया ना तो तोड़ देगा। बस उसको दिखा रही हूँ, देख फल को बोल के सबको दिखा रही हूँ। तो इस बार आम ज़्यादा नहीं आए हैं, पिछले बार बहुत ज़्यादा आम के फल आए थे। और देखिए पीछे साइड भी बहुत मतलब आम के पेड़ ना मेरे मायके में बहुत ज़्यादा हैं, और तरह तरह के अलग अलग किस्म के पेड़ हैं। तो नर्सरी का पेड़ उगाए हैं, तो सबके बाड़ी में आम का पेड़ होता है। तो हम लोग आ गए थे घर को, और बिल्ली को देख के बहुत खुश हो जाता है मेरा बेटा, तो उसी को दिखा रही थी। और मेरा भतीजा वहीं पर बैठ के खेल रहा है, तो मैं भी वहीं पर बैठ गई थी। और मेरी मम्मी तो अपने काम में बिजी रहती है, और यहाँ नाम यज्ञ हो रहा है, तो उसको साफ सफाई वाला काम मतलब गोबर से लिपाई पुताई वाला काम कर रही है। और ये है ना शाम का टाइम, जब कलश यात्रा जाने के लिए मैं तैयार हो गई थी, बीच में मैंने वीडियो नहीं बनाया था। और मेरी भाभी ना आम का जो को मुलायम पत्ता रहते ना वो ले आई थी, तो मुझे पसंद नहीं था कलश के लिए। तो मैं थोड़ा मोटा वाला, ज़्यादा गाढ़ा हरा वाला पत्ता लेने के लिए बाड़ी तरफ गई थी। तो ये मैं पत्ता लेके आ गई हूँ, और नल के पास उसको धो दूँगी। तो ये मैंने एक साड़ी पहनी है, ये साड़ी को मैंने अपने मामा जी के बेटे की शादी में पहना हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा। तो वैसे गाँव में पूजा पाठ में जो भी साड़ी मिले पहन लेती हैं, लेकिन मुझे ना पीली साड़ी पहनना अच्छा लगा, इस वजह से मैंने पहन लिया है। और पूजा पाठ के लिए पीला या फिर लाल अच्छा रहता है, तो इसी वजह से ना मैंने पीला पहन लिया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं मतलब नहीं मानते हैं, जो मिला वही पहन लेते हैं गाँव में। और हमारे यहाँ तो समलपुरी साड़ी पहनते हैं, कपड़ा इसको बोलते हैं हम लोग, और जो बहुएँ होती हैं वो साड़ी पहनती हैं। ये देखिए कोई भी साड़ी पहन सकते हैं बहुएँ, उनका जो पसंद आया। तो ये ना हम लोग जा रहे हैं कलश यात्रा के लिए, रास्ते में हैं अभी। तो हमारे गांव में ना 2 मोहल्ले हैं, हमारा मोहल्ला ना नया बस्ती है, और हम जा रहे हैं पुरानी बस्ती को लेने। तो बीच में ना 1 किलोमीटर, हाँ करीबन 1 किलोमीटर होगा, तो घर नहीं मिलता है। तो ये दूसरे मोहल्ले हम आ गए थे पुरानी बस्ती, ये हमारा पुराना वाला गांव है। तो जब आएंगे ना पहले हमारे नए वाले मोहल्ले से पुराने वाले मोहल्ले में, तो पहले ये मिडिल स्कूल पड़ता है, और प्राइमरी स्कूल ना हमारे मोहल्ले में, नए मोहल्ले में। तो ये देखिए मेरा जो मिडिल स्कूल है, यहाँ पर मैंने पढ़ाई की है। और जब मैं पूरी पढ़ाई कर ली ना, तो 2 साल मैंने यहाँ पढ़ाया भी है बच्चों को, तो इसको देख के ना बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और ये गली है हमारा जो पुराने बस्ती का, वो गली है। तो हम लोग ना जा रहे हैं नदी कलश लाने के लिए। और मेरे गांव में ना नदी बहुत पास है, महानदी है मेरे गांव में। तो ये देखिए ये गली में हम लोग नीचे जा रहे हैं, नदी जो दिखाई दे रहा है ना पानी, वो नदी है, गली देखिए। तो बस जो घर है ना, उनके बाड़ी तरफ ही नदी है, तो ऐसा कुछ सीन है देखिए। और जो खड़ी है ना घर में, वो मेरी बड़ी मम्मी है, ये मेरी मम्मी का घर है। कभी घूमने आऊँगी तो आपको दिखाऊँगी, उनके बाड़ी तरफ ही नदी है। तो बहुत अच्छा लगता है, मैं जहाँ रहती हूँ ना, मेरे मैके जहाँ पे है, वहाँ बाड़ी तरफ नदी नहीं है, थोड़ा दूर जाना पड़ता है। लेकिन हम लोग ना दूसरे मोहल्ले गए हैं, तो वहाँ के बाड़ी तरफ ही नदी है। तो ये हम नदी को उतर रहे हैं मोहल्ले से, बहुत ही पास ही में है। तो देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है, पूरे गांव की महिलाएं कलश यात्रा के लिए आई हुई हैं। तो नदी आ गई, और नदी में ना कम पानी है, गर्मी का मौसम है तो पानी सूख गया है, तो कम पानी है। तो जितना भी है बहुत साफ रहता है नदी का पानी, तालाब से तो बहुत ज़्यादा साफ रहता है। तो हम लोग पहुँच गए थे नदी में, तो जहाँ पानी है वहीं पर जाएंगे सोच रहे थे। और ये जो दिखाई दे रहा ना पुल, वो ना हमारे गांव का पुल है, महानदी में बना हुआ पुल है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा पुल है, ये देखिए।
और जहाँ से हम लोग खड़े हैं ना, जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ से ना ये पुल 1 किलोमीटर होगा, ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब ये पुल हमारे गांव में, पुल के नीचे जाएंगे सोच रहे थे, लेकिन यहाँ मतलब ज़्यादा दूर हो जाएगा पुल बोले। और शाम यहाँ पूजा पाठ भी होता है ना, कलश लेने आएंगे ना तो थोड़ा पूजा भी करते हैं, तो रात हो जाएगा बोले। और पुल के पास लेके नहीं गए, नहीं तो पुल के पास भी जाते हैं कलश लेने, और पूजा होती है ना तो पुल के पास से जाते हैं। तो देखिए नदी में ज़्यादा पानी नहीं है और सब आ गए थे, आगे खड़े हैं और सब कलश को नई जगह इकट्ठा करके रख देते हैं। और शाम हो गया था ना तो जल्दी जल्दी रखिए रखिए बोल के चिल्ला भी रहे थे। जो जो कीर्तन जो होता है, कीर्तन मंडली के साथ ही आए थे, तो नाम एक कलश ना लेके चले जाएंगे और जो नाम जाप करना है वो कल करेंगे। तो देखिए यहीं से कितना सुंदर भी दिखाई दे रहा है मेरे गांव का जो पुल है। इस पुल की लंबाई ना करीबन 2 किलोमीटर है और छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा पुल है ये। तो देखिए सब खड़े होकर देख रहे हैं पुल को। हाँ, जो जो नहीं देखे हैं नदी तो उनको तो बहुत ही मजा आता होगा, लेकिन मैं तो बचपन से ही नदी में नहाई हूँ, इस गांव में पली बड़ी हूँ, तैरना भी मुझे आता है बहुत ही। मतलब मस्ती की हम लोग जब बचपन में ना नदी से सूखता नहीं था, गर्मी के मौसम में नहीं सूखता था हमारे बचपन में, अभी भी सूख रहा है और रेत जो है बाहर निकल आ रहे हैं। जब हम लोग छोटे थे ना तो रेत नहीं निकलते थे, बहुत ज़्यादा पानी रहता था गर्मी के मौसम में भी। और ये ना मैं फ़ोटो खींचने के लिए बोल रही थी, जो मेरा मोबाइल पकड़ी थी ना तो वो नहीं जा रही थी, एक छोटी सी बच्ची को मैंने अपना मोबाइल पकड़ा दिया था क्योंकि बड़े लोग शर्माते हैं। और ये ना मैं अपने भाभियों के साथ फ़ोटो खिंचवाई हूँ, मेरी दोनों भाभियाँ हैं, मेरी भाभी और मेरे बड़े पापा की बहू, तो पहचानी मेरी भाभी कौन सी है। और ये हैं हमारे गांव के जो गौटिया होते हैं ना, प्रधान बोल, हमारे यहाँ तो गौटिया ही बोला जाता है, तो उनके बेटी और बहू बैठेंगे शायद पूजा में, तो वहीं पर पूजा हो रही है नदी में ही, कलश का पूजा होता है वहीं पे। और फिर सारे कलश को पानी भर के उसमें ना लेके जाते हैं जहाँ पे नाम यज्ञ होगा। तो पूजा का माहौल है देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है। और बहुत दिनों के बाद नाम यज्ञ हो रहा है मायके में ना, तो सब बहुत खुश है गाँव वाले, और सब बेटियों को बुलाएंगे तो सब इकट्ठा होंगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो मेरे आने वाले ब्लॉग ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो आप लोग बने रहेगा ब्लॉग में। भाई मेरे भाइयों को देखिए किसे कर रहे हैं। और देखिए शाम हो गई थी, अंधेरा थोड़ा थोड़ा होने लगा था, तो जल्दी जल्दी पूजा को पंडित जी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रात ना हो जाए जाते टाइम। और लाइट की सुविधा ना रास्ते में नहीं है, क्योंकि रास्ते दोनों मोहल्ले के बीच में ना 1 किलोमीटर घर नहीं पड़ता है ना, मतलब सुनसान रहता है। तो हाँ जल्दी जल्दी पूजा को करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं दिखाई दे रही हूँ कि नहीं दे रही हूँ, देखिए इस वीडियो में दिखाई दे रही हूँ कहाँ पे है, आपको दिख रही हूँ ना, बताइएगा कमेंट्स में दिखिए कि नहीं, मैं कहाँ पे बैठी हूँ देखिए। और ये हम लोग ना वापस आ गए थे, देखिए अंधेरा हो गया है। और ये जिस मोहल्ले में हम लोग कलश को, मतलब नदी है जिस मोहल्ले में, और वहीं का है, देखिए रात हो गया है और सब लोगों ने अपने अपने घरों का लाइट ऑन कर दिया है। और ये आ गए थे हम अपने मोहल्ले, क्योंकि बीच में ना अंधेरा था, मैंने वीडियो नहीं बनाया था। और ये हम जा रहे हैं जहाँ पे नाम यज्ञ होगा, ये देखिए वहाँ का नज़ारा है ये, तो ऐसा कुछ तो व्यू है हमारे गांव का जहाँ पे नाम यज्ञ है। कल सुबह ना अच्छा दिखाई देगा, थोड़ा अंधेरा है तो उतना ज़्यादा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, कल बहुत ही अच्छा दिखाई देगा, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है नाम यज्ञ में। देखिए कितना भीड़ है, शायद 108 कलश मतलब सब ला रहे हैं। और मैं तो साथ ही कलश होते हैं, जो गौटिया लोग मतलब लाते हैं कलश वाला मैन होते हैं, और 6 गौटिया को मिला के और 6 जने 7 को मिला के 7 जो कलश मैन होते हैं, और बाकी तो शौक के लिए हम लोग करते हैं। तो देखिए कलश को हमने रख दिया है, और ये ना कलश लाने के बाद हमारे गांव वाले ना सबको भोग दे रहे हैं चावल खाने के लिए। रात के खाना बनाने के लिए मना किया गया था, तो पूरा गाँव भर को ये हमारे गली में ही बैठा के, सड़क में ही बैठा के खाना खिला रहे हैं, वहीं पर लाइट की सुविधा है। और ये देखिए मेरा खाना है, और ये चावल है, और मुनगा और टमाटर है, और ये डालमा बोलते हैं हम लोग। तो आज का वीडियो नहीं तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो को पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, जो भी नए चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा जो भी नए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।